आज की रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे रबड़ी वाले घेवर, वो भी 15 मिनट में। ना तो चाहिए हमें घी, ना चाहिए मैदा, और ना ही चाहिए हमें बर्फ़, ना ही हमें बैटर बनाना। हम इंस्टेंट ये घेवर बना के तैयार कर लेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी वो भी। तो उसके लिए दोस्तों आप रेसिपी को पूरा देखना। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी नई नई रेसिपी लाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। तो रबड़ी के लिए मैंने एक गिलास दूध का गर्म होने के लिए रख दिया है, और उधर चाशनी बनाने के लिए मैंने आधा गिलास पानी का रख दिया है, और मैंने 150 ग्राम चीनी ली है। अभी इसकी एक तार की हम चाशनी बना लेंगे। उधर हमारी चाशनी बनेगी और इधर हमारी रबड़ी बनेगी। तो रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, और इसमें गरम ठंडा दूध मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ऐसे मिक्स करके ही डालेंगे मिल्क पाउडर को, और इधर दूध गरम हो चुका है। इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे दूध के अंदर। फिर ये मिल्क पाउडर जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया वो इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और फिर इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चारों तरफ चिपक जाएगा। तो चारों तरफ से ऐसे किनारों से छुड़ाते हुए इसकी रबड़ी बना लेंगे हम। तो देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए, और इसे चलाते रहना है। हम बार बार उधर चाशनी को भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए इतनी गाढ़ी हो चुकी है हमारी रबड़ी, और इसमें मैंने 100 ग्राम डाल दी है चीनी। चीनी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, थोड़ी कम ज़्यादा। तो उधर हमारी ये चाशनी बनके तैयार हो रही है, चाशनी को चेक कर लेंगे। तो एक तार की चाशनी बन चुकी है हमारी, और इधर ये हमारी रबड़ी भी तैयार है, और इसके अंदर डाल देंगे केवड़ा एसेंस की 2-3 बूंद। तो ये देखिए इतनी गाढ़ी चाहिए, ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। और इधर मैंने ये लिए 5-6 ब्रेड, और ये लिए मैंने कुकी कटर। अगर आपकी छोटी ब्रेड हो तो ऐसे कुकी कटर से काट लीजिए, और बड़ी हो तो ऐसे साइज वाली एक कटोरी ले लीजिए। साइज में जितनी बड़े हो गए उतने ही अच्छे बनेंगे हमारे ये घेवर। तो ये देखिए इस तरीके से गोल काट लेंगे। ये हल्का सा ब्राउन पार्ट रह गया इसके ऊपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम सारी ब्रेड को काट लेंगे। फिर ऐसे देखिए एक छोटा सा ढक्कन लेंगे किसी भी चीज़ का, और बीच में एक छोटा सा होल कर देंगे घेवर की जैसे। तो ये देखिए इस तरीके से, तो सारे मैंने इसी तरीके से काट लिए हैं। और अब इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, जो ऑयल में स्मेल ना है वो ऑयल होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने अच्छा वाला। अभी इनको अलट पलट करके गोल्डन कलर की सिकाई कर लेंगे इनकी। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाए इनके ऊपर। बस 1 मिनट ही लगेगी इनकी सिकाई करने में। सारी ब्रेड को इसी तरीके से सिकाई करके हम निकाल लेंगे। देखिए तो मैंने ये सारी ब्रेड निकाली है, और इधर हमारी ये चाशनी हल्की सी गर्म है। आप चाहे तो पहले चम्मच से इस तरीके से लगा दीजिए, नहीं तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, इसे इस तरीके से डिप करके निकाल लीजिए चाशनी के अंदर। दोनों तरफ से डिप कर लीजिए और निकाल लीजिए, तो इसमें थोड़ा आसान भी रहेगा और अच्छे से लग जाएगी इसके अंदर चाशनी। तो ये देखिए 2-3 बार ऐसे अच्छे से अलट पलट करके निकाल लीजिए। तो सारी को मैंने चाशनी के अंदर डिप कर दिया है, और ये हमारी रबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अगर आपको थोड़ा पतला करना हो तो हल्का सा दूध डाल के गर्म करके थोड़ी पतली कर लीजिए, लेकिन मुझे ऐसी ही पसंद है। गाढ़ी रहने से बहुत ज़्यादा लग जाएगी इनके ऊपर रबड़ी। तो ऐसे देखिए चम्मच की सहायता से सारे पे रबड़ी लगा देंगे हम। पहले हम इसी प्लेट के अंदर चाशनी भी लगा लेंगे और रबड़ी भी लगा लेंगे, फिर इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इन्हें गार्निशिंग कर देंगे, ऊपर से पिस्ता लगा देंगे। अगर आपके पास अगर
और कोई ड्राई फ्रूट्स लगाना चाहते हो तो वो लगा दीजिए, मैं पिस्ता लगा दूंगी। और मेरे पास ये टूटी फूटी है, ये होममेड है घर की, तो ये लगा दूंगी मैं चारों तरफ, अच्छे से इनको सजा दूंगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से लगा दिए चारों तरफ सारे घेवर के ऊपर, और ये ऑरेंज कलर है थोड़ा सा, तो ये देखिए ऐसे ऑरेंज कलर लगा दूंगी चारों तरफ से, तो एकदम बाजार की जैसे हमारे ये लगेंगे घेवर। तो ये देखिए हमारे कितने शानदार घेवर बनके तैयार है। तो ये लीजिए दोस्तों हमारे ये घेवर बनके तैयार है रबड़ी वाले। अगर आपके पास टूटी फूटी नहीं हो तो केवल रबड़ी लगा के भी ऐसे भी रख सकते हो, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये लीजिए इस तीज त्यौहार पे या आप ज़रूर बनाइए, या घर में कोई मेहमान आए अचानक तब भी इन्हें बना के इंजॉय करिए। सब लोग आपसे पूछेंगे कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे बनाए आपने। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी घेवर की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली ऐसी नई रेसिपी के साथ।